पीरियड्स के दौरान महिलाओं को काफी सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। कुछ महिलाओं के कमर और पेट में दर्द होती है तो बहुत सारी महिलाएं इन दिनों पैरों में होने वाले दर्द से परेशान रहती है। कई बार पैरों की मसल्स में ये दर्द रात को सोते हुए उभर जाता है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पीरियड्स के दौरान होने वाले पैरों के दर्द से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आइए जानते हैं। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका। देखिए, सबसे पहला है पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स खाएं। पैरों में होने वाले दर्द का कारण पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन B12 की कमी मसल्स क्रैम्प की वजह होती है। इससे निपटने के लिए सही मात्रा में न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी महिलाएं कम पानी पीने की वजह से भी पैरों में दर्द की शिकायत महसूस करती हैं। पीरियड्स के दौरान पानी की कमी पैरों की मसल्स में दर्द का कारण बनती है, इसलिए पानी की मात्रा पर जरूर ध्यान दें। पानी के साथ ही दूसरे लिक्विड चीजों को भी आपको लेते रहना चाहिए। वहीं पीरियड्स के दौरान लगातार कई घंटे खड़े होकर काम करना और ठीक से आराम न कर पाना महिलाओं के पैरों में दर्द की एक अहम वजह है। यही नहीं, अगर पीरियड्स के दिनों में हैवी और ज्यादा एक्सरसाइज की जाए तो भी पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए इन दिनों आराम ज्यादा करने पर फोकस करना चाहिए। वहीं पीरियड्स के दौरान अगर पैरों में दर्द होता है तो किसी बाल्टी में गुनगुना पानी भरकर उसमें सेंधा नमक डालें और घुटनों तक पैरों को डुबोकर बैठ जाएं। रात को सोने से पहले पैरों को इस पानी में डुबोकर सिकाई करने के बाद सोएं। अगर सुबह पैरों में दर्द नहीं हो रहा हो तो इसका मतलब है कि शरीर में मैग्नीशियम की कमी थी। वहीं इन सभी के अलावा लगातार घंटों बैठकर काम करने की वजह से भी मसल्स टाइट हो जाती हैं, इसलिए पीरियड्स के दौरान हल्की एक्सरसाइज जैसे योग, स्ट्रेचिंग को जरूर करना चाहिए। इन सभी के अलावा पीरियड्स के दौरान पैरों में दर्द होता है तो मसाज जरूर करें। मसाज के लिए कुछ बूंदे जायफल के तेल की लेकर उसमें नारियल का तेल मिलाएं। इस तेल को हल्का गुनगुना करके इससे पैरों की मसाज करें। इससे पैरों के दर्द में आपको आराम भी मिलेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रही है हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।